आपको प्रारंभ से सोचना चाहिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण ही हुआ था, गठन ही हुआ था कि जीतन मांझी 2014 और 15 में 9 महीना मुख्यमंत्री में रहा था। और मुख्यमंत्री काल में ऐसे तो सैकड़ों निर्णय थे, लेकिन 34 निर्णय ऐसा निर्णय था जिससे बिहार का भाग्य बदल जाता। और फिर उसके बाद हमको मौका नहीं मिला तो हम लोगों ने यही सोचा कि अब सरकार में रह के या सरकार को समर्थन दे करके हम इस सब नियमों को जो हम बनाए हैं पालन कराएंगे, अनुपालन कराएंगे। उसी के लिए हम नीतीश कुमार जी के साथ रहे। और प्रश्न उठने लगा था इधर कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं तो जो आपके निर्णय है उसको लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। उदाहरण देते हैं कि बच्चियों की शिक्षा एकदम फ्री कर दिया था फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के, और ये निर्णय को इन्होंने पलटा नहीं है, लेकिन कैंची मार दिया, कैंची मार दिया कि जो डेफिसिट ग्रांट होना चाहिए कॉलेज को नहीं दे रहे हैं। तो लाचारी है कि बच्चियों के गार्जियन को पैसा देना पड़ रहा है। तो जो कैपेबल हैं वो तो दे पाते हैं, और जो गरीब घर की बच्चियां हैं कोर्स कंप्लीट कर ली है और पैसा उसको नहीं जुट रहा है तो उसका सर्टिफिकेट हेल्ड अप है। ऐसे हजारों हजार हमारी बच्चियां हेल्ड अप है, और ये बात हम कहे हैं तो भी कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो आखिर हमको तो जब अपना निर्णय इम्प्लीमेंट कराना है तब तो कुछ कहना है, अल्टीमेटम देना है। अब मान लीजिए हमने कहा था कि ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे, डिग्री होल्डर्स लोगों को ठेकेदारी में आरक्षण के लिए हमने कहा था कि 75 लाख रुपया तक के ठेका में हम आरक्षण देंगे डिग्री होल्डर्स को, इसलिए कि डिग्री होल्डर 20, 21, 22 वर्ष के होते हैं लोग, तो उस समय सब विवाहित होते हैं, तो अपने पत्नी को या अपने हस्बैंड को छोटी छोटी समस्या पूरा करने के लिए कोई भी छात्र या छात्राएं बाप से गार्जियन से ना मांगेगा कि हमको ये चीज़ चाहिए पत्नी को या हस्बैंड को। तो इसके सोच करके हमने कहा था कि उनको हम 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, और ये जब देने की बात किया था तो उसको इन्होंने काट दिया। और आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसमें कितनी परेशानियां होती है सो आप लोग देख रहे हैं।